कहने को तो सरगुजा के राजा हैं, मगर जाने जाते हैं अपनी सहजता और सरलता के लिए। छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय नेता, सबके चहेते टीएस सिंहदेव। उनकी खासियत है, जो भी जैसे भी रूप में उनसे मिलने आता है, वो उसकी सहजता के लिए वैसे ही हो जाते हैं। वे कभी बच्चों के संग पिट्ठू खेलते दिखते हैं, और तो कभी महिलाओं की समस्याएं सुनने के लिए उनके साथ जमीन पर ही बैठ जाते हैं। पद और सत्ता हासिल होते ही नेताओं की चाल ढाल भाषा बदल जाती है। वे जनता को प्रजा और खुद को राजा समझने लगते हैं। मगर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का व्यवहार इसके बिल्कुल उलट है। वे सरगुजा के राजा हैं, लोग उन्हें बाबा साहब कहकर सम्मान देते हैं। वे सबसे लोकप्रिय और चहेते नेता हैं, मगर इसलिए नहीं कि वे राजा हैं, बल्कि इसलिए कि वे बेहद सहज हैं, बेहद साधारण और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। वे जहां जाते हैं वहां उनका एक अलग व्यक्तित्व देखने को मिलता है। अभी कुछ दिन पहले उनका पिट्ठू खेलते हुए वीडियो खूब वायरल हुआ था। वे स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वस्थ भी हैं, दौड़ते हैं, साइकिल भी चलाते हैं। अभी हाल ही में जब टीएस सिंहदेव के बंगले पर कुछ महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर नीचे बैठी उनका इंतजार कर रही थी, जैसे ही उनको इस बात की जानकारी मिली, वे सभी औपचारिकताओं को नजरअंदाज करते हुए सीधे उनके पास चले गए। मंत्री जी को अपने बीच आया देखकर ये महिलाएं असहज होती इसके पहले ही टीएस सिंहदेव वहीं जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए और करीब एक घंटा उसी स्थान पर एक एक कर उनकी समस्याओं को सुना। मंत्री ने वहीं अपने स्टाफ को बुलाया और इन महिलाओं की समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।